नमस्कार, कूल क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चीज़ बॉल बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। आइए अब हम लोग तैयारी करते हैं चीज़ बॉल के लिए। उबले आलू देखिए लिए हैं मैंने, जिनको मैं ग्रेट कर लूँगी। और उसके बाद मैं इसको एक बाउल में निकाल कर अदरक और लहसुन का पेस्ट जो मैंने तैयार किया है एक चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब हम इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे और ये धनिया पाउडर एक चम्मच, एक चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च और लाल मिर्च एक चम्मच मैंने डाली है और ये ऑर्गेनिक। और ये देखिए मैंने ब्रेड के छोटे छोटे पीस कर लिए और अब मैं इसमें इस तरह से मैश कर दूंगी। दो चम्मच मैदा और एक चम्मच कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें बाउल में डाल दिया और अब मैं पानी से इसका एक घोल तैयार करूंगी विदाउट लम्ब। और कॉर्नफ्लोर पाउडर मैंने मिक्सी में पीस लिया और देखिए इस तरह से मैंने आलू टिक्की जैसी बनाकर बीच में जगह करके चीज को अंदर फिल किया और इस तरह से हाथों की मदद से मैंने ये बॉल बना ली है। और इसको मैं मैदे और कॉर्नफ्लोर के घोल में लपेट कर ये देखिए कॉर्नफ्लोर जो मैंने मिक्सी में पीस लिया पाउडर जैसा इसको चारों तरफ लपेट कर कढ़ाई में घी गर्म करके मैं इसको देखिए इसमें इस तरह से डाल दूँगी और ऊपर साइड में तेल डालने से एक ही बॉल सिक जाएगी। और इसी तरह मैं दूसरी भी तैयार करूँगी। इसमें ध्यान देने वाला होता है कि चीज़ कहीं भी बाहर निकला ना रह जाए वरना ये बहुत तेज से आवाज़ करता है कढ़ाई में। इसे इस तरह से मैंने इसको लपेटा और ये इस तरह से मैंने इसमें भी डालकर सेंक लिया है और ये हमारी बॉल्स तैयार हो गई हैं। खाने के लिए रेडी हो गए हैं सभी। देखिए बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही है और ये इस तरह से गर्मा गर्म चीज़ के साथ चीज़ बॉल तैयार हो गई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग कूल क्रिएशंस। आप भी ट्राई करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।